हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। देखिए, इसका अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट। अब आपको क्या करना है, 22.5 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो देखिए इसे कैसे ड्रॉ करते हैं अपन। सबसे पहले अब आपको पता है 22.5 कैसे बनेगा, ये किसका हाफ होता है। अगर हम 45 डिग्री लें और उसका हाफ करें तो कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कोई एंगल किस एंगल का हाफ है। ठीक है, तो अब हमें पता पड़ गया है कि ये जो एंगल है 22.5, 45 का हाफ है, और 45 डिग्री मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से बनाते हैं। तो ठीक है, एक बार वापस से रिविज़न भी हो जाएगा आपका, और आप 45 तक तो पूरा रिविज़न ही है। तो सबसे पहले 45 भी हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि 45 हमें पता है क्या होता है, 45 90 का हाफ होता है। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाओगे आप, उसके बाद उसको हाफ कर दोगे तो 45 डिग्री का बन जाएगा, और फिर उसको भी हाफ करोगे तो 22.5 का बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, अपन बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, इसको अपन क्या बोल देंगे, ए बी। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, वही कंपास लेना है, ए पर पॉइंट करके एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये हमने सर्कल बना लिया, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो याद रखना, जिसे इसको सी बोल दिया अपन ने, तो सी से एक पॉइंट लगेगा, सी से कट लगाएंगे अपन। ये क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अगर आपको 60 डिग्री का एंगल बोलेंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, जो फर्स्ट कट होगा ना, जैसे मैंने इसको डी बोल दिया, तो जो फर्स्ट कट है वो अपना क्या है, 60 डिग्री। अगर ए से डी को मिलाती हुई मैं लाइन ए और डी को ज्वाइन कर दूंगी तो मैं 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट हमें 60 का नहीं बनाना है, हमको 90 का बनाना है। तो फिर अब क्या करेंगे, डी से वापस एक कट लगाएंगे, इसे अपन क्या बोल देंगे, ई बोल दिया हमने। ठीक है, तो अभी कितना हुआ, अगर आप ए को ई से मिलाते हो तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 60 से ऊपर एक कट लगाएंगे और फिर 120 यानी ई से एक कट लगाएंगे, और जहाँ ये दोनों कट मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्यू बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, ए को क्यू से ज्वाइन कर देंगे, तो अपन ज्वाइन कर देते हैं। देखो ए को क्यू से ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये मेरा क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री का एंगल तो अपना बन गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद हमें इसका हाफ करना है। ठीक है, तो जितना अपन ने ये ओपन कर रखा था ना, इससे कुछ भी अब क्या करोगे, चेंज ही नहीं करोगे। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, कट लगाएंगे, ये इनिशियल कट है। ठीक है ना, यानी यहाँ से सी से, इसके बाद मतलब आप ये सुन लीजिए कि किसी भी एंगल का अगर हाफ़ करना है तो एक तो इनिशियल पॉइंट से कट लगाएंगे, और एक जहाँ से एंगल बन रहा है, तो जैसे 90 डिग्री एंगल कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से कट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये मिला नहीं है, तो वापस से सी से कट लगाएंगे अपन और इसको ज्वाइन कर देंगे। अभी मिल गया, अब हम क्या करेंगे, अब देखो जैसे ये डी था ना ई, इसको अपन क्या बोलेंगे, इस कट को अपन एफ बोल देंगे। अब अपन क्या करेंगे, ए से इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। तो देखो अभी कितने डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री का हो गया। अगर आपको 90 का बोलें तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, 60 और 120 का हाफ कर दोगे 90 आ जाएगा। अब 45 का बोलेंगे तो पता है 90 का हाफ होता है, तो 90 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक कट यहाँ से लगेगा और एक कट इनिशियल पॉइंट यानी सी से लगेगा। ये दोनों कट जहाँ मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे, ए से ज्वाइन कर देंगे, इस कट को अपन एफ बोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें 45 का तो नहीं बनाना, हमें तो 22.5 का बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 45 यहाँ से यहाँ तक का हो गया ना, तो यहाँ से और यहाँ से हम कट लगाएंगे, यानी 45 का हाफ करना है। अभी हमने 90 का हाफ करके 45 करा है ना, अब ये कितना हो गया अपना 45 यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका हाफ करना है अपन को। तो भाई अपन क्या करेंगे, कंपास लेंगे, सी से कट लगाएंगे। अब देखो ये हिल गया, सबसे पहले वापस मेजर कर लो कहाँ कितना था, ये इतना था। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या करना है, सी से कट लगाना है, ये
सिर से ही हो गया। अब उसके बाद किसका हाफ करना है, 45 का ना, तो 45 कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ से कट लगाएंगे अपन, ठीक है। और ये क्या कर देंगे इसको ऐसे, और सी है, सी का कैसे हो जाएगा अपना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कट मिले, देखो ये थोड़ा ऐसा हो रहा है ना, ओवरलैप हो रहा है ना, तो इसको वापस कट करो, ठीक है, वापस बनाते हैं ताकि आपको क्लियर दिखना चाहिए, है ना, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। देखो सी से अपन कट लगा रहे हैं, ये लगाया हमने, इसके बाद 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा ना, तो यहाँ से कट लगा दो, ये लगा दिया। अब देखो क्लियर बनाए, अब अपन क्या बोलेंगे इसको, आर बोल दो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया अपना आर। अब हम क्या करेंगे, ए को आर से ज्वाइन कर लेंगे, कर लिया हमने ज्वाइन, तो अब ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तो 45 था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल इतना, ये कितना हो गया अपना 22.5 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले अपन किसका बनाएंगे एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल के लिए क्या करेंगे अपन, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, सी से अपन एक कट लगाएंगे डी पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर डी से एक कट लगाएंगे ई के लिए, ठीक है, ये 120 का होता है। अब हम क्या करेंगे, सी से एक कट ऊपर, डी से एक कट ऊपर की ओर लगाएंगे और ई से भी एक कट लगाएंगे, ये दोनों कट जहाँ मिलते हैं वहाँ से हम एक को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये एक क्यों हो गई, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर अपन को 45 का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सी से एक कट लगाएंगे और ये 90 डिग्री का जहाँ पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है ना, जैसे इसको टी बोल दो आप, अगर आपको दिक्कत आती है तो, है ना, याद रखने में। तो अब ये सेमी सर्कल, ये ए क्यू सेमी सर्कल को टी पे कट कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, टी से कट लगाएंगे और ये दोनों कट जहाँ मिले उसे एफ बोल दिया आप, ए से एफ को ज्वाइन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 का हाफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो 45 का नहीं बनाना, हमें तो 22.5 का बनाना है, तो 45 का भी अब हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तब अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सी से वापस से कट लगाएंगे और ये 45 एंगल यानी ए एफ सेमी सर्कल को यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ से कट लगाएंगे और ये दोनों कट जहाँ मिले उसे हमने आर बोल दिया, तो एक को आर से ज्वाइन कर देंगे अपन। तो इस तरीके से 45 का अपन ने हाफ करके 22.5 डिग्री अपन ने एंगल बना लिया, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको कोई सा भी एंगल दें, ठीक है ना, आपको अगर उसका हाफ करना है तो सबसे पहले तो जहाँ पे इनिशियल होता है, अपनी बेस लाइन होती है, वहाँ के पॉइंट से कट लगाएंगे, उसके बाद जो भी आपको एंगल दे रखा है, जैसे 90 दे रखा है, तो 90 डिग्री का ये लाइन सेमी सर्कल जहाँ से जहाँ पर कट कर रही है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कट कर रही है, तो वहाँ से लेके कट लगाएंगे और दोनों कट जहाँ मिलेंगे उसको ज्वाइन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उस एंगल का हाफ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एंगल का हाफ कैसे करना है, एक इनिशियल से, और एंगल जो अब जो जिस डिग्री का भी अपन ने एंगल बनाया है वहाँ से अपन एक कट लगाएंगे और उन दोनों कटों को ज्वाइन करके हम ए से मिला देंगे, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी एंगल का हम क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमने 22.5 डिग्री बना लिया, 90 का हाफ करा 45 मिला, 45 का हाफ करा 22.5 मिल गया। तो इस तरीके से अपन एंगल बनाएंगे। अब जैसे होमवर्क में मैं आपको देती हूँ, आपको होमवर्क करना है जिसमें आपको 30 डिग्री का और एक है आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब क्या करोगे, 30 के लिए 60 का बनाना एंगल, 60 डिग्री का हाफ कर देना, 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आपको 15 का बनाना है, तो 30 डिग्री का तो बना लिया, 30 डिग्री का भी हाफ कर देना, तो क्या बन जाएगा, 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये दोनों एंगल आपको होमवर्क में करना है। और देखिए इनके कंस्ट्रक्शंस जो आपको लिखने हैं वो आपको खुद लिखना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस के स्टेप मैं नहीं लिखाऊंगी आपको, ये आपको खुद लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल एंड वेरीफाई बी मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। यानी आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर से उसको मेजर करना है कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो देखिए सबसे पहले अपन 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, कर ली, इससे अपन ने क्या बोल दिया, ए एंड बी। और वही हम क्या करेंगे, ए से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ए से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं अपन, अब उसके बाद हमें क्या बनाना है,
75 के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा आपको। तो देखो ये कितना हो जाएगा 60 और ये अपना 120। अब इसी के ऊपर एक कट लगाएंगे अपन। इसके बाद 120 वाला एंगल है ना, यहाँ से इस कट से भी एक कट लगाएंगे ऊपर, लगा दिया। अब ये दोनों कट जहाँ मिले उसे अपन क्या बोलेंगे, क्यू बोल देंगे। अब क्या हुआ हमारा, ए से अपन ने क्या करा, क्यू को ज्वाइन कर लिया, ये हो गया अपना ज्वाइन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, देखो इसको ए बी अपॉइंट रख लेते हैं सी, और ये कितना हो जाएगा डी, ये हो गया ई, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, 75 करना है। तो 75 के लिए आप क्या करोगे, 60 और 90 का हाफ करोगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या है हमारा, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से कट लगाओगे, कट लग ही रहा है अपना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 90 का यानी इस पॉइंट से कट लगाना है, ये लगा दिया। अब ये दोनों कट जहाँ मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इसको आर बोल दिया बनना है, आर को ए आर ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। तो देखो ए आर हमने ज्वाइन कर दिया, तो अब ये कितना हुआ हमारा, यहाँ से यहाँ 75। देखिए तो अपना ये कितना बन गया, 75 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेज़र करना है कि भाई प्रोटेक्टर से कि ये 75 डिग्री का एंगल हमारा जो बना है वो सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो अब देखिए अपन प्रोटेक्टर रखते हैं, इसको रखा हमने, तो अब हमारा देखो ये प्रोटेक्टर रख दिया अपन ने। अब देखो आया ना ये एंगल जा रहा है 75 डिग्री का आ गया, दैट मीन्स जो हमने बनाया है वो एकदम एक्यूरेट बनाया है। तो इस तरीके से 75 डिग्री का एंगल आपको बन जाएगा। तो आप इसके स्टेप को खुद लिखेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 105 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो अपन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, इसे हम क्या बोल देंगे, ए बी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले वही हमें कितना करना है, 105 का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक कट लगाएंगे अपन, कितने का, 60 डिग्री का, फिर वापस से एक और कट, ये अपना 120 का हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ एक कट और यहाँ 120 का जो कट था, यहाँ से कट लगाएंगे अपन। अब क्या हो गया, जहाँ पर दोनों कट मिले उन्हें हम मिला देंगे, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये अपन ने किसका बना लिया, 90 डिग्री। अब देखो हमें कितना बनाना है, 105 का बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए 105 किससे मिलकर बना है, देखो 90 और अगर मैं 120 को ऐड करूं, 210 हो गए। अब अगर मैं 210 का हाफ करती हूं तो कितना बचेगा, 2 फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 2 5 10, तो हो गया ना 105 डिग्री। दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया, 90 और 120 का हाफ वो हमारा कितना हो जाएगा, 105। तो वही चीज़ यहाँ हमारा 90 डिग्री है और ये अपना कितना है, 120 है, 120 का कट है ना। तो एक तो आप क्या करोगे, 90 के कट से 90 वाला लोगे पॉइंट, ये पॉइंट लिया हमने, इसको अच्छे से लेना है और यहाँ पर कट लगाना है, लगा दिया हमने कट। इसके बाद 120 का है, यहाँ से कट लगाना है आपको, ठीक है। ये दोनों कट जहाँ मिलेंगे उसको आपको क्या कर देना है, उसको आपको ए से ज्वाइन कर देना है, इस तरीके से। तो देखो अब इसे अपन पॉइंट रख लेते हैं ए से सी, फिर इसको बोल देंगे डी,
इसे बोलेंगे ई, और ये दोनों जहाँ मिले इसको बोलेंगे अपन एफ, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप बोल सकते हो क्यू। एफ है, इन दोनों को मिला के कट या मिला इसको बोल देंगे हम आर, ठीक है। अब देखो वापस एक बार वापस बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एसी ड्रॉ करोगे। एसी ड्रॉ करने के बाद आप एक अपनी अपनी मर्जी का एक रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ करोगे, कर लिया। फिर सी से हम एक कट लगाएंगे, जितने डिग्री का यहाँ पे जितनी रेडियस ये है ना, उतनी ही रेडियस का उतनी ही दूरी का अपन ए से एक यहाँ पे कट लगाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे डी। फिर डी को इनिशियल पॉइंट लेके एक और कट लगाएंगे एफ, ठीक है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, डी से एक कट ऊपर की तरफ और एफ से एक कट ऊपर की ओर लगाएंगे। ये दोनों कट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसे क्यू बोल देंगे। फिर ए को क्यू से मिला लेंगे, तो ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें पता है कि 105 किसका हाफ होता है, 120 प्लस 90 को ऐड करते हैं तो 210, और उसका हाफ करेंगे तो हमको 105 मिल जाएगा। तो इसीलिए 90 तो बन गया, तो हम क्या करेंगे, 90 इस सेमी सर्कल को जहाँ पर कट कर रहा है उसको अपन ने एफ बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, एफ से कट लगाएंगे, और एक कट किससे लगाएंगे, 120 डिग्री का एंगल वाला कट है ना ये, अगर यूँ मिलाएं तो 120 बनेगा। तो इसीलिए एक कट तो हम एफ से लगाएंगे और एक कट हम इससे लगाएंगे ई से, ये ई है हमारा, ठीक है, ई से कट लगाएंगे। ये दोनों कट जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए उसे अपन ने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, ए को आर से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 105, गलती से लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा अपना 105 डिग्री, ठीक है। अब वही करना है कि प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करना है आपको, तो मेज़र करते हैं अपन। ये अपन ने प्रोटेक्टर रख दिया, ये मेरा डबल प्रोटेक्टर है ना, तो थोड़ा ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, ये इनिशियल लाइन हो गई अपने, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और ये वाला एंगल अपना क्या बन गया, इसको थोड़ा ढंग से नहीं हो रहा ये, ठीक है। अब ये 90, ये कितने का बन गया अपना, 105 का बन गया ना। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, 105 का। तो आपको अच्छे से बनाना है, क्लियर करके ध्यान रख के रखना है आपको कि आपके एंगल इधर उधर नहीं होने चाहिए, अगर थोड़ा हैं तो उसे वापस से बनाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना 135 डिग्री एंगल, तो उसे बनाते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना 135 डिग्री का एंगल बनाना है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे। अब देखो 135 डिग्री एंगल कैसे मिलेगा आपको, ये किसका हाफ होता है 135, तो देखो अगर मैं 90 प्लस 180 को ऐड करूं, ठीक है ना, यानी इन दोनों के मिड में 0, और ये कितना हो जाएगा 270 हो गया। अब अगर अपन 270 का हाफ करते हैं तो कितना आता है अपना, 2 1 2 2 3 6, 2 5 10, यानी अपन क्या करें 270 डिग्री का एंगल बनाएं और उसका हाफ करेंगे तो अपना कितना जाएगा 135, यानी ये 135 किसका हाफ है, 90 और 180 इन दोनों का हाफ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 180 तो मिल बन ही जाता है, इन दोनों का हाफ करेंगे अपन। तो ये इसे समझ में आनी चाहिए आपको कि 135 किसका हाफ है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब देखो अपन इसको बनाते हैं, सबसे पहले वही एक इनिशियल लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, इसे अपन ने बेस है ये अपना ए बी। अब वही हमें 90 डिग्री चाहिए, सबसे पहले देखो ये एक लाइन बन गई। अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो यहाँ से सेमी एक ही हिल बहुत जाता है, आपको ध्यान रखना है हिलना नहीं चाहिए, ये हुआ। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से इसे अपन ने क्या बोला था सी पॉइंट, तो सी से कट लगाएंगे अपन। अब देखो 90 तो अपन कितनी बार बना रहे हैं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। 60 का बनाएंगे, 60 के बाद 120 का बनाएंगे, और ऊपर भी कट लगाएंगे। अब 120 वाले एंगल से भी अपन एक कट लगाएंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसे क्यू बोल देंगे। अब ए और क्यू को अपन ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन हो गया आपका,
ठीक है। तो अभी इसको क्या बोल दिया हमने, इसको हमने बोल दिया डी और इसको हमने बोल दिया ई। अब देखो ये लाइन है ना यहाँ तक, इसको आगे की तरफ मिला देंगे अपन सीधी। क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमें 180 डिग्री का एंगल चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मिला दिया। अब ये तो कितना हो गया अपना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको जैसे टी बोल दो आप ये पॉइंट को, है ना। और ये वाला पॉइंट है, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे आर। तो ये वाला एंगल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होता है अपना 180। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल अपना कितना है 180 डिग्री ना, ये 90 ये भी 90, टोटल मिला के कितना हो गया अपना 180 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, 90 और 180, देखो 90 और 180 का हाफ करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक कट हम कहाँ से लगाएंगे, टी से लगाएंगे, ये लगा दिया अपन ने कट टी से। और एक कट अपन किससे लगाएंगे, आर से लगाएंगे, तो आर से लगा दीजिए, लगा दिया। अब ये दोनों कट जहाँ मिले उसे अपन ने क्या बोल दिया, उसे हमने एस बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, ए को एस से ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ये ज्वाइन हो गया। तो इस तरीके से अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा अपना 135 डिग्री। अब इसको मेजर कर लेते हैं अपन, देखो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा 130 और ये 140, इन दोनों के मिड में आ गया ना ये, तो अपना ये क्या हो गया अपना, ये हो गया हमारा 135 डिग्री एंगल। देखो 130 140 इन दोनों के मिड में आ रहा है ये, तो ये कितना हो गया अपना 135 डिग्री एंगल बन गया। तो हमने प्रोट्रैक्टर से मेज़र कर लिया कि ये एंगल अपना कितना है, 135 है। दैट मीन्स अपन ने एक्यूरेट बनाया। एक बार वापस बता रही हूँ आपको, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ए से आप एक सेमी सर्कल बनाओगे जहाँ पे सर्कल ए बी को ना कट करेगा, उसे सी बोलना। सी से आप कितना, जितनी रेडियस आपकी ए सी है ना उतनी ही हम सी से कट लगाएंगे डी पे, फिर डी से ई पर भी उतना ही कट लगाएंगे उतनी ही दूरी का, ठीक है। इसके बाद डी से एक कट ऊपर की तरफ और ई से भी कट ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये दोनों कट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे क्यू बोलेंगे, ए को क्यू से ज्वाइन करेंगे। दैट मीन्स ये अपना कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि हमें 180 डिग्री का एंगल, आपको पता है कोई भी एक लाइन होती है उस पर कितने डिग्री का एंगल होता है हमारा, 180 डिग्री का एंगल, लीनियर पेयर होते हैं, है ना, लीनियर लाइन पे। अब देखो तो जैसे हमने लाइन आगे की तरफ प्रोड्यूस कर ली आर तक, अब हमें क्या करना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ सेमी सर्कल को यहाँ पर कट कर रहा है, तो हमने इसे टी बोल दिया। तो टी से कट लगाएंगे और आर से कट लगाएंगे, ये दोनों कट जहाँ इंटरसेक्ट हुए उसे एस बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा इतना एंगल किसका हो जाएगा अपना, 135 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हमने इसे प्रोडक्टर से भी मेज़र करके आपको दिखा दिया है कि ये एंगल कितना है अपना, 135 डिग्री का एंगल है। तो इसी तरीके से इसके सब आपको मैंने क्वेश्चन 4 के तीनों करवा दिए हैं, तीनों पार्ट 75, 105 एंड 135। तो इन सब के कंस्ट्रक्शन सब आपको लिखने हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के कंस्ट्रक्शन सब आपको लिखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, गिव इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शंस। लेट अस ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड इज 3.7 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल के बनाने के लिए कितना दे रखा है, 3.7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, 3.7 सेंटीमीटर। इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी, यहाँ से आधा आया अपना 3.7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, ऑल थ्री साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर ये 3.7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3.7, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3.7।
साथ के साथ हमें इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी पता है कि ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो तीनों एंगल अपना कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो अब सिंपल है, हमने क्या करना है, 3.7 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ए पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो बनाओ, अब देखो यहाँ से कट लगाएंगे अपन। अरे हिल गया है, तो देखो इसको वापस मेज़र करना, अगर हिल भी जाता है तो ठीक है। अब ये आ गया, इसके बाद हमें यहाँ से कट लगाना है। ये कट हमने लगा दिया, तो ये कट किसका होगा, हमारा 60 डिग्री का। अब इसे क्या करेंगे हम, जैसे इसको अपन ने सी बोल दिया और इसे हमने डी बोल दिया, तो अब ए को डी से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते हैं, ये कर दिया हमने, ए को डी से ज्वाइन कर दिया। अब ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक का मिल गया, लेकिन 3.7 सेंटीमीटर का हमें ऐसे कट लगाना है। तो 3.7 सेंटीमीटर का अपन कंपास ओपन करेंगे। तो हमने करा 3.7 सेंटीमीटर का कंपास ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, ए से 3.7 सेंटीमीटर का कट लगाना है। इसी तरीके से बी से भी हम क्या करेंगे, बी से भी 3.7 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे। देखो दोनों कट कहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट आपको मिल गया है, इसे अपन क्या बोल देंगे, सी। हाँ सी तो इधर हो गया, ई बोल दीजिए इसको आप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ए को ई से मिला देंगे, ए को ई से मिला दीजिए आप, मिल गया। तो इस तरीके से अब ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3.7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी अपना कितना है 3.7 सेंटीमीटर, और ये तो अपना है ही सही 3.7 सेंटीमीटर। इस तरह से कोऑर्डिनेटर ए बी ई हमारा क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा 3.7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसकी स्टेप आपको लिखनी है। उसके बाद इसने जस्टिफाई बोला है ना, तो मैं सिर्फ आपको जस्टिफाई बता देती हूँ कि जस्टिफाई में आपको कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल एक एक लाइन लिखनी है। देखो मैं जस्टिफाई में करवा देती हूँ आपको, जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे आप इसके अंदर, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, किसे, बाय कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शंस कराए ना, बाय कंस्ट्रक्शंस। सो क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, वेयर है ना एवरी ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना हो गया कि ईच एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे अपन ने 60 डिग्री का बना लिया। ठीक है, ईच एंगल 60 डिग्री है, 3.7 सेंटीमीटर की अपन को दे ही रखा है साइड। तो हम क्या करेंगे, पहले 3.7 सेंटीमीटर ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, ए पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे अपन, और ए से 3.7 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, और बी से भी हम 3.7 सेंटीमीटर कट लगाएंगे। ये दोनों कट जहाँ मिलेंगे उसे ई बोल देंगे, और फिर हम ए को ई से ज्वाइन करेंगे, ए ई को बी से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से ए बी ई हमें इक्विलेटर ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 11.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन 11.2 करेंगे, तो इसको आप अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा और बहुत ही क्लियर तरीके से कीजिएगा, और स्टेप भी आप बिल्कुल सही तरीके से लिखना। अगर आपको नहीं आ रही है लिखना, तो आप जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेप लिखी है, उसको देख देख के लिख लेना, ठीक है, या फिर बुक में से देख के लिख लेना, लेकिन स्टेप सही लिखनी है आपको। तो इस तरह से अपना एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।